सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आप कैसे इंस्टाग्राम के किसी भी वीडियो या फिर बोल सकते हैं रील को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपनी गैलरी में बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को डाउनलोड किए हुए या फिर बोल सकते हैं बिना किसी वेबसाइट पे गए हुए। आप जो भी डाउनलोड करेंगे या फिर सेव करेंगे वो आपके फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए समझ में आते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपने अपना इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर लेना। तो जैसे कि ये देखिए, मैं अपना इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। जो भी वीडियो आप डाउनलोड करना चाहते हो उसे आपने सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल रहे हैं। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जितने भी वीडियो देखने को मिल रहे हैं, आपने जिसको भी डाउनलोड करना है तो आपने सिंपली उस पर क्लिक कर जाना है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपकी स्क्रीन के सामने ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉकेट की तरह या फिर आपको हाईलाइट भी हो रहा है, तो आपने इस पर क्लिक कर जाना। जैसे कि ये देखिए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको, एड रील्स टू योर स्टोरी, जो कि आपको हाईलाइट हो रहा है, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर जाना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपने कुछ सेकेंड्स का और वेट करना है। आप जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपका फर्स्ट टाइम अगर आप करेंगे तो लोडिंग लेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको आप अपने हिसाब के से रिसाइज कर सकते हो, मतलब आप जितना जूम करके रखोगे जैसे यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे वैसे ही आपके गैलरी में सेव होगा। तो जैसे कि ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम कर लेने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन देखने को मिल रहा आपको थ्री डॉट का, तो सिंपली आपने थ्री डॉट पे क्लिक कर जाना। आप जैसे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो उसके बगल में आपको नीचे देखने को मिल रहा है सेव का, तो सिंपली आपने सेव पे क्लिक कर जाना। आप जैसे ही सेव पे क्लिक कर जाएंगे कुछ देर के लिए आपका प्रोसेसिंग लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि प्रोसेस में हो रहा है। जैसे ही ये सक्सेसफुली डाउनलोड होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो जो है वो सेव हो चुका है। जैसे ही सेव हो जाता है उसे आपने चेक करना है कि आपकी गैलरी में गया है या नहीं। अगर आप इसे अपनी स्टोरी पे लगाना चाहते हो तो आप लगा लीजिए, अदरवाइज यहाँ से आप इसे डिस्कार्ड करके आप सिंपली बाहर आ जाइए। ये तो इसे मैंने डाउनलोड कर लिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी गैलरी में ये गया कहाँ पे है। तो सिंपली इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना गैलरी ओपन कर लेता हूँ। गैलरी ओपन कर लेने के बाद इंस्टाग्राम का जहाँ पे भी जो फोल्डर है मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे फोल्डर पे आप देख सकते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया, जो वीडियो को मैंने डाउनलोड किया हुआ था वो वीडियो आपको यहाँ पे हाईलाइट होते हुए दिख रहा है। अगर मैं इसे प्ले करना चाहूँ तो सिंपली इसे मैं प्ले कर सकता हूँ। इसके साथ ही इसे मैं जहाँ पे भी यूज़ करना चाहूँ, चाहे अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे या फिर जहाँ पे भी शॉर्ट वीडियो यूज़ होती है, इसे मैं जहाँ पे यूज़ करना चाहूँ वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो आप भी। सो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी में किसी भी वीडियो को या फिर बोल सकते हैं रील को इंस्टाग्राम के आप डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को डाउनलोड किए, बिना किसी वेबसाइट पे गए हुए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अपने दोस्त शमशाद अली को इजाज़त दीजिए, मिलते सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।